साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज 3 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे, जहां गोरखनाथ मंदिर में हुई आतंकी घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा लेंगे। साथ ही नवरात्रि के नवमी को सीएम योगी कन्या पूजन करेंगे। बता दें कि 9 अप्रैल को MLC चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे सीएम योगी। इसके अलावा सांसद, राज्यसभा सांसद और नगर निगम के मेयर और पार्षद भी नगर निगम बूथ पर मतदान करेंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा रहे हैं, जहां गोरखपुर हमले के बाद जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, उसको जायजा भी लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ 3 दिवसीय दौरे पर है नवरात्र का समय, और ऐसे में रामनवमी कन्या पूजन करने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ आएंगे। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ MLC चुनाव में अपना मतदान करेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके गोरखपुर से। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं, तीनों दिनों का कार्यक्रम क्या क्या निर्धारित है सीएम के? जी, आज गोरखपुर सीएम योगी 3 बजे पहुंच जाएंगे। इसके बाद 3 दिवसीय दौरा है, और यहां आते ही सीधे यहां से एयरपोर्ट से उतरते ही वो सीधे यहां से भटट चले जाएंगे, जहां पिपरी गांव में गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का वो निरीक्षण करेंगे, उसके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सैनिक स्कूल फर्टिलाइजर में समीक्षा बैठक करेंगे, और फिर वहां से सोनबरसा जाएंगे और महागुरु योगी आदित्यनाथ आयुष विद्यालय का वहां पे भी समीक्षा बैठक करेंगे। फिर वो पुनः अपने मठ गोरखनाथ मंदिर में वापस आ जाएंगे, और इसके साथ ही कल उनको सुबह प्रातः उठ करके माँ भगवती की पूजा आराधना करनी है। इसके बाद सबको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर चैत नवरात्रि में पूजा अर्चना करते हैं भगवती की, और ऐसे में कन्याओं का पैर पूजते हैं, थाली में पैर धोते हैं, और उसके बाद से पूजा आराधना करने के बाद वो वहां से निकलेंगे और नगर निगम स्थित बूथ पे जाएंगे, वहां अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर वो पुनः गोरखनाथ मंदिर में आ जाएंगे और समीक्षा बैठक करेंगे, कई बीजेपी के नेताओं के साथ उनको समीक्षा बैठक करनी है। इसके बाद ही योगी आदित्यनाथ शाम को एक भजन कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। जी हिमांशु, अगर बात करी जाए गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की, तो उसमें क्या कुछ बदलाव किया गया है? सीएम जब पहुंच रहे गोरखनाथ मंदिर, तो वो खुद समीक्षा करेंगे इस बैठक करेंगे और साथ ही साथ जायजा लेंगे सुरक्षा व्यवस्था का, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला इस हमले के बाद से? इस हमले के बाद गोरखपुर को बता दें कि पूरी तरह से गोरखनाथ मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, और इस बार उसकी सुरक्षा व्यवस्था बुलेट प्रूफ कर दी गई है। पूरी तरह से साजो सामान दे दिया गया है, सभी व्यक्तियों को जो है मेटल डिटेक्टर से हो करके जाना है। स्कैनिंग मशीन पहले से लगी हुई थी, लेकिन इस बार स्कैनिंग मशीन भी बदल दी गई है, बढ़ा दी गई है उनकी संख्या। और गोरखनाथ जैसे ही मुख्य द्वार से एंट्री करते हैं, वहीं सबकी चेकिंग हो रही है, और सबकी चेकिंग करने के साथ ही साथ उनके सामान वाहनों की चेकिंग किया जाएगा। और आज के साथ आपको बता दें कि गोरखपुर ही नहीं, आसपास के जिलों में, चूंकि यहाँ पे नेपाल और बिहार से बॉर्डर लगता है, तो ऐसे में पूरी तरीके से इसको चाक चौबंद करने के लिए हर जगह होटल, और यहाँ तक कि SSP का कहना है कि होटल और ढाबे पे अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता है किसी अन्य जगह से, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए, और पूरी तरह से CCTV कैमरे लगाए जाए, प्रतिष्ठानों पर CCTV कैमरे लगाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गोरखपुर से हिमांशु जुड़े थे। तो सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, वो फिर गोरखपुर की हो, गोरखनाथ मंदिर की हो, या आसपास के जिलों की हो, सभी जगह की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। साथ ही सीएम योगी 3 दिन के दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं, तो उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिसमें 2 अहम कार्यक्रम है। एक MLC के चुनाव में मतदान, जो कि कल करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ परसों कन्या पूजन करेंगे, रामनवमी की पूजा करेंगे, और साथ साथ जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया भजन कार्यक्रम का, उसमें भी शिरकत करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। CNG की कीमत में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो कैब और टैक्सी चालकों ने मांगों पर सुनवाई होने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई और किराए में राहत नहीं मिली, तो विरोध तेज करेंगे। 11 को दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध जताएंगे। दिल्ली NCR के हजारों चालकों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है।
तो लगातार पेट्रोल डीजल के ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है और इसके खिलाफ प्रदर्शन करा जा रहा है। टैक्सी और ऑटो के चालक भी विरोध करने पर अब उतर आए हैं। सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ ऑटो कैब और टैक्सी चालकों ने मांगों पर सुनवाई पर हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ ही साथ शुक्रवार को अपनी मांगों के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात भी कही है। और ये भी कहा गया है कैब और टैक्सी चालकों द्वारा कि अगर सरकार की तरफ से ईंधन पर सब्सिडी नहीं प्रदान की गई और किराए में राहत नहीं मिली तो विरोध तेज करेंगे। 11 को दिल्ली सचिवालय पर भी विरोध जताया जाएगा। दिल्ली एनसीआर के हजारों चालक इसमें शामिल होंगे। तो लगातार बढ़ रही महंगाई के चलते सभी तरफ लोग परेशान भी हैं, तो वहीं अब सीएनजी महंगी होने से भी लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस महंगाई का असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है, किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें पिछले 15 दिनों से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के महंगा हो रहा है। इससे जो है साइड सी बात है कि जनता के जेब पे सीधे असर पड़ता है, क्योंकि डीजल जो है उससे खेती और ट्रांसपोर्ट दोनों ही जुड़े होते हैं। ऐसे में खेती से जो उत्पादन होता है या किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट होता है, गुड ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर जाहिर सी बात है कि काफी असर पड़ता है और महंगाई बढ़ती है, जिसकी मार जनता को सीधे झेलना पड़ रहा है। जी, अब जिस तरह से टैक्सी ड्राइवर, कैब ड्राइवर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो इससे कितना असर पड़ने वाला है आम जनता को, इस प्रदर्शन का कितना असर पड़ेगा और क्या इससे सरकार कोई राहत दे सकती है? ये देखा जाए, आपको बता दें सिखा कि डीजल का जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी बहुत असर होता है, क्योंकि ऐसे में बस और टेम्पो ऑटो का भी किराया बढ़ जाता है और लोगों के जेब पे सीधा असर पड़ता है इसका, और बहुत इनकी मार पड़ती है और इससे कस्टमर कम हो जाते हैं, जो यात्री होते हैं यात्रा करने से बचते हैं। ऐसे में सीधी सी बात है कि चालकों पे सीधा असर पड़ता है, उनकी कमाई पे असर पड़ता है, उनके रोजगार पे असर पड़ता है, और उनको कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जो ऑटो खरीदे होते हैं उनको किस्त भरनी होती है, बैंकों की किस्त भरनी होती है, तो सीधा असर उनके ऊपर पड़ता है। हिमांशु, आम जनता जो कि इस महंगाई की मार झेल रही है अभी तक पेट्रोल डीजल, जो लोग पेट्रोल डीजल नहीं भरवा पाते थे या फिर जिनके पास अपना निजी वाहन नहीं होता था, वो टैक्सी ऑटो कैब करके जाते थे, अब इनका किराया भी बढ़ जाएगा, तो इससे कितना परेशानियों का सामना करेगी आम जनता? क्योंकि अब जिस तरह से गरीब वर्ग के लोग टैक्सी ऑटो का सहारा लेते थे, अब उसका किराया भी बढ़ जाएगा। जी, गरीब वर्ग के लोग टैक्सी और बसों का सहारा लेते थे, कैब का सहारा लोग मध्यम वर्गीय लोग लेते थे जिनको कहीं भी जाना होता था, लेकिन ऐसे में जब किराया बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग बाहर जाने से, यात्रा करने से कतराएंगे और बहुत कम यात्रा करेंगे। ऐसे में कैब ड्राइवरों पे और टैक्सी ड्राइवरों पे सीधा असर पड़ता है, उनके रोजगार पे पड़ता है, हालांकि उनकी माली स्थिति तक बिगड़ जाती है, चूंकि उनको अपना जो है बैंक का किस्त देना होता है, वो लोन देना होता है, लोन नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसे में उनका हड़ताल करने का कहीं ना कहीं मोटिव बनता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता हिमांशु जुड़े थे। तो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई है कैब ड्राइवरों द्वारा, लगातार हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं ईंधन के साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी का भी दाम बढ़ा और धीरे धीरे इसका असर हर चीज पर देखने को मिल रहा है। सब्जियां महंगी हो रही हैं, राशन का सामान भी महंगा हो रहा है, तेल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, तो तमाम चीजों पर इसका असर पड़ रहा है। और जिस तरह से सीएनजी महंगी हुई है, ऑटो के दाम भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिस तरह से गरीब लोग बस, ऑटो, टैक्सी का सहारा लेते थे, अब उनके भी किराए बढ़ जाएंगे, तो जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मध्यम वर्ग के लोग जहां टैक्सी बुक करते थे, ओला कैब बुक करके भी चले जाते थे, अब उसके दाम भी बढ़ जाएंगे, तो किराए में वृद्धि होने से भी काफी नाराज है, क्योंकि जो आम जनता है उसके लिए तो परेशानी है ही, साथ ही कैब ड्राइवरों के लिए परेशानी है। तो लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसको लेकर विरोध तेज होता नजर आ रहा है। अब प्रदर्शन करने की बात कही गई है, दिल्ली एनसीआर में विरोध की बात कही गई है, क्योंकि देश में लगातार दाम बढ़ रहे हैं। जहां पहले जब महंगाई बढ़ रही थी कुछ समय पहले, तो कहा जा रहा था कोरोना का प्रकोप है, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। और अब जब महंगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल डीजल ईंधन के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो अब सीधा इसका जिम्मेदारी जो ठीक रहा है वो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके ऊपर भी फोड़ा जा रहा है। लेकिन सरकार जिस तरह से
महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर गरीब जनता को इससे कैसे सहारा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से टैक्सी ऑटो के दाम बढ़ गए थे, अब ओला कैब ने भी, जिस तरह से ओला उबर जितने भी कैब है, सोशल मीडिया के जितने भी ऑनलाइन माध्यम से बुक करी जाती है टैक्सी, उसके भी दाम बढ़ गए हैं, तो अब सीधे तौर पे जनता को फर्क पड़ने वाला है इस बढ़ती महंगाई से। इस खबर पे हमारे से सदा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। हिमांशु, महंगाई बढ़ रही है, सीधे तौर पे जनता की जेब पे असर पड़ रहा है। अभी तक जो लोग तेल भरवाते थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते थे उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किस तरह देख रहे हैं? जी, बढ़ोतरी हुई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक है या मालवाहक गाड़ियां हैं उनके अंदर एक रोष पैदा हुआ है। उसी क्रम में आज दिल्ली के जंतर मंतर पे जो ऑटो रिक्शा और कैब चालक है, जो सीएनजी के जो ईंधन को प्रयोग करके अपने जेब को, अपने जो घरेलू उपयोग की चीजें है उसको लाते थे, तो वो कहीं ना कहीं इस बार उनके अंदर रोष दिख रहा है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि इस बढ़ती महंगाई को लेकर जो राजनीतिक दल है वो भी अपना मोर्चा खोल चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बाद सीएनजी की जो 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे देश में, जिससे कहीं ना कहीं जो रोजमर्रे की जिंदगी से चलाने वाले सीएनजी से उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि किराए की अगर बात करें तो किराया जो कि कुछ बढ़ोतरी की गई है, मगर कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो इस चीज से बाइकॉट कर रहे हैं और वो कोई और माध्यम चूज कर ले रहे हैं। जब वही बात की जाए तो सीएनजी से चलने वाली सरकारी बसों से लेकर और तमाम ऐसे माध्यम है जहाँ का किराया बढ़ा है, फेयर बढ़ा है, जिससे ग्राहकों को बहुत एक उनके जेब पे काफी असर देखने को मिल रहा है। जैसे कहा जी, मालवाहक गाड़ी भी अब अपने जिस तरह से बढ़ते दामों की वजह से वो भी टैक्स बढ़ा देंगी और ज्यादा चार्ज करेंगी, इस वजह से जो सब्जियां हैं, बाकी के सामान है, उन पे भी महंगाई का असर पड़ने वाला है। हिमांशु, किस तरह से देखते हैं, क्या हर तरफ महंगाई देखने को मिलेगी ईंधन के अलावा? जी शिखा, आपको बता दें कि जो बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो पूरे जो मालवाहक गाड़ियां हैं, चाहे बात की जाए कच्चा माल, चाहे बात की जाए गीला माल, जो दूर दराज से आते हैं, चाहे वो छोटे मंडियों में जाते हैं, इन सभी का किराया में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है, जिसकी एक वजह है कि जो उत्पादन है, जो चाहे बात की जाए सब्जियों की, चाहे बात की जाए राशनों की, तो कहीं ना कहीं उसके रेट में भी कुछ फर्क आए हैं, कुछ बढ़ोतरी है। वही बात की जाए तो अगर बात की जाए लखनऊ की राजधानी की, तो आप देख सकते हैं कि सब्जियों के रेट में 2 से 4 रुपए का फर्क आया है, वहीं हरी सब्जियों में भी फर्क आया है, फलों में के जो मूल्य है उसमें फर्क आया है। तो कहीं ना कहीं देखे तो मालवाहक गाड़ियों के किराए बढ़ जाने से आम उत्पादन पे इसका असर आया है। और वहीं अगर देखे तो जो सीएनजी से ऑटो से चलने वाले जो सीएनजी ऑटो के ग्राहक है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं किराया बढ़ने से उनका जो माध्यम है वो बदल रहा है। जैसिका जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। तो हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं उसका असर बाकी चीजों पे भी पड़ता जा रहा है, क्योंकि मालवाहक गाड़ियों द्वारा भी जो चालक है उनके द्वारा भी अब चार्ज बढ़ाया जाएगा ईंधन की वजह से, जिस तरह से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं और बाकी चीजों पर भी अब दाम बढ़ के पहुंचेंगे। तो टैक्सी चालकों ने सुनवाई की बात कही है और सुनवाई ना होने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी है। तो महंगाई की मार हर तरफ देखने को मिल रही है, ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं और सीएनजी के दाम में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है तो उसको देखते हुए भी लोग काफी परेशान हैं। तो लगातार अब क्या वो टैक्सी चालक भी बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं और अब ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ भी जनता झुकाव कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सभी के दाम बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो सरकार है वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को काफी तवज्जो देती हुई नजर आ रही है और एक अच्छा विकल्प भी मान रही है। और अब हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण,
जिस तरह से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम यानी कि ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, हर तरफ महंगाई देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसको सरकार काफी प्रमोट भी कर रही है, किस तरह से देखते हैं क्या भविष्य इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ये, और अगर ऐसा है तो क्या बिजली के दाम भी आने वाले समय में बढ़ेंगे? देखिए आपको बता दूं, लगातार गाजियाबाद समेत एनसीआर में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही सीएनजी और एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि आम जो जनमानस है, जैसे कि जो घर के जो रोजगार अपना, जिनकी जो अभी तक सैलरी का बढ़ोतरी नहीं हुई है खासतौर पर, और कहीं ना कहीं बात करें कि ऑटो जो चालक है या रिक्शा चालक है, उनकी भी कोई किसी तरह से किसी चीज को बढ़ोतरी नहीं है, तो उसको लेकर भी काफी उन लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। और आने वाले कुछ समय में बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये लोग हड़ताल पे बैठेंगे, जितने भी ऑटो चालक हैं या रिक्शा चालक हैं, जंतर मंतर के अंदर ये लोग हड़ताल करेंगे महंगाई को लेकर और अपनी आने वाली समस्याओं को लेकर ये लोग हड़ताल पे बैठने वाले। जी जी, अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तो उस पर क्या कहेंगे? एक बार दोबारा दोहराएंगे अपना जी प्रवीण, हम पूछ रहे हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को सरकार प्रमोट कर रही है और ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में इसका भविष्य कैसा देख रहे हैं और क्या इसकी वजह से जिस तरह से ये प्रमोट हो जाएगी, हर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी भविष्य में, तो क्या बिजली के दामों में भी इजाफा हो सकता है? देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि अब जिस तरह से इलेक्ट्रिक वाहन जो है, जिनकी खासकर उस पर जोर दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सभी व्यक्ति जो भी लोग हैं, चाहे वो डीजल वाहन हो या फिर पेट्रोल वाहन हो, उनकी भी समय सीमा तय कर दी गई है कि 15 साल से 20 साल तक की जो क्षमता के जो वाहन है, जिसमें डीजल से हो संबंधित या फिर पेट्रोल संबंधित हो, उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाकर इलेक्ट्रिक वाहन को बहुत ही जोर शोरों से आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। बात करें अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक बिल की, तो आने वाले समय में जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसका भी जोर पड़ेगा कि आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक दाम है इस समय, जो जिस तरह से जनता इस समय देख रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से वाहन की बढ़ोतरी होगी, जिस तरह से लोगों के पास साधन संसाधन इलेक्ट्रिक वाहन ही रह जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक के दाम भी बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।